मेरी उम्मीद यही है कि मेरी जनता मध्य प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता पांच करोड़ मतदाता जागरूक है अपने भविष्य का नव निर्माण उन्हीं के हाथों में देगी जिन हाथों में वे अपने आप को सुरक्षित मानती है और आज ना मध्य प्रदेश का किसान अपने आप को भाजपा के हाथों में सुरक्षित मानता है न मध्य प्रदेश की महिला अपने आप को भाजपा के हाथों में सुरक्षित मानती है जिस मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी की सरकार ने बलात्कार की राजधानी जो एक करोड़ नौजवान आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार है तो बदलाव का माहौल है ये एक हवा नहीं एक आंधी आ रही है और भाजपा की रवानंदगी तय हो चुकी है जो 11 तारीख को आप और हम निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे ईवीएम के बारे में कई कंप्लेंट्स अनेक विधानसभाओं से आई हैं एक एक पोलिंग की कंप्लेंट मैंने हमारे प्रदेश के सीईओ राव जी को भेजा है भारत के निर्वाचन आयोग में मैंने भेजा है और मैंने यही स्पष्ट निवेदन किया है कि जितना विलंब हो चुका मशीन ना चलने के जरिए उतना ज्यादा वोटिंग को एक्सटेंड किया जाना चाहिए शाम को ताकि उन मतदान केंद्रों में जहां विलंब हो चुका है वहां लाइन लगाकर सब एक एक मतदाता अपना मत का प्रयोग कर पाए